Hello people, welcome to quality tutorial online lecture series. Now today we will teach you about the centrifugal pump design. Okay, the centrifugal pump design, it comes under subject of DMS, that is design of mechanical system for same 8 in Mumbai University syllabus. Okay, so let's start with the design of the centrifugal pump. Now first of all, what is the centrifugal pump and which type of question comes in exam. Okay, now what do you mean by centrifugal pump? The name indicates, you can see here, it's a centrifugal pump. Okay, total assembly line of the centrifugal pump, it's a motor here, it's a attachment over there, and it's with the help of coupling. बिकॉज द क्या होता है एक्चुअली इसमें जो मोटर रहता है मार्केट में मिलता है. ओके, मोटर को हम लोग क्या करना पड़ता है, कपल करना पड़ता है, वहाँ पे शाफ्ट रहता है. एज पर द जो पावर रिक्वायरमेंट चाहिए हमें जो कि रन करने के लिए फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पम्प, ये है आपका टोटल सेंट्रीफ्यूगल पम्प. ओके, द नेम इंडिकेट इट वर्क ऑन अ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, सेंट्रल फोर्स के ऊपर ये रन करता है. ओके, और ये जो पार्ट होता है इसको कॉल्ड स्टफिंग बॉक्सेस, जो कि आपके जो लाइक पैकेजिंग डिवाइस जो होंगे, सीलिंग बिलिंग जो यहाँ पे आते हैं. ओके, सीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट. ओके, इन डिज़ाइनिंग. ओके, बट इन हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जैसे हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, लाइक इम्पेलर हो गया, शाफ्ट हो गया, सीलिंग के ऊपर इतना हम लोग ध्यान देते नहीं है इन ये टॉपिक के अंदर, इन द सेंस कहाँ पे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में. बट अब जब जाओगे इंडस्ट्री में तो ये जो पार्ट है सीलिंग डिजाइन इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट. ओके, तो हम लोग रेफर करते हैं पार्कर. ओके, पार्कर के सील किट, जो पार्कर का रहता है हैंडबुक मिलता है आपको पार्कर का, आपको सील्स यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है. ओके, सो ये हो गया एज पर प्रैक्टिकल वे. नाउ हमें क्या करना है यहाँ पे, एज पर द थ्योरेटिकल वे हमें क्या करना है, पास होना है सब्जेक्ट में, हमको क्या करना है, सेंट्रिफ्यूगल पंप के डिजाइन को पूरा सॉल्व करना है. ओके, विद इन अ टाइम बाउंड. ओके, मैं मैक्स टू मैक्स को 45 मिनट्स क्या करूँगा, मैं इसको मैक्स में 45 मिनट्स में इसको मुझे सॉल्व करना है. ओके, एग्जाम में. तो ये रहा आपका सेंट्रिफ्यूगल पंप. ओके, ये रहा इसका डायग्राम. नाउ नेक्स्ट ये देखिए, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप. ओके, कपल डायरेक्ट टू मोटर, ये कपलिंग है यहाँ पे, स्टफिंग बॉक्स रहेगा यहाँ पे. ओके, वाटर यहाँ से आएगा, इज कॉल्ड आए, यहाँ से वाटर आता है, यहाँ से फिर ओके केसिंग से यहाँ से बाहर निकलता है, आउटपुट को निकलता है. ओके, बेसिकली सेंट्रिफ्यूगल पंप की यूज़ करते हैं, सेंट्रल पंप क्या है, फॉर वाटर हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर को पंप करने के लिए यूज़ करते हैं, फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल में वाटर को पंप करने के लिए सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप के ऊपर. ओके, नाउ सो ये रहा आपका सम, क्या बोले यहाँ पे आपको, डिजाइन अ सेंट्रिफ्यूगल पंप फॉर द डेटा गिवन बिलो. ओके, क्या बोला आपको, डिजाइन करो एक सेंट्रिफ्यूगल पंप फॉर द डेटा गिवन बिलो. ओके, क्या बोला आपको, स्टैटिक सक्शन हेड 2 मीटर, स्टैटिक डिलीवरी हेड 16 मीटर, एंड लेंथ ऑफ सक्शन पाइप कितना बोला है 5 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी पाइप 50 मीटर, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड 1500 LPM, फ्लूइड हैंडल बाय द पंप बाय द पम्प इज द वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये एक नॉर्मल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन करना है. ओके, ये एक सिंपल एक सम हो गया, और भी इसके टाइप्स है सम्स के जो एग्जाम में आते. ओके, सो लेट सम चेक कर दे कि क्या क्या सम्स आते. ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेट है, यू कैन सी. इंजन गियर पंप डिजाइन ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ स्केचेस फॉर द असेंबली ऑफ सिंगल स्टेज सेंट्रल पंप डायरेक्टली कपल्ड टू द इलेक्ट्रिक मोटर एंड आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट. ओके, द वेरियस कंपोनेंट आपको डिफाइन कर, 5 मार्क को आया था नवंबर 5 में. देन क्या बोला आपको, सेकंड क्वेश्चन है, डिजाइन अ केसिंग एंड इंपेलर ऑफ द कपल्ड सिंगल सेंट्रल पंप ऑपरेटिंग एट 1500 RPM एंड डिलीवरिंग 1200 LPM, ओके, लीटर पर मिनट अगेंस्ट टोटल हेड ऑफ 16 मीटर, ड्रॉ द स्केच ऑफ द सेम, इंडिकेट द
leading dimension, making the suitable assumption determine the radial and axial load on the impeller shaft. Calculate shaft diameter based on only torsion. ओके यहाँ पे बेस्ड ऑन टॉर्शन भी होता है और बेंडिंग भी होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कपल करके ओनली टॉर्शन आएगा. सिलेक्ट द सुटेबल बेरिंग फॉर द सपोर्टिंग द शाफ्ट. ओके शाफ्ट को सपोर्ट कर रहा था, वील गेट हमें बेरिंग लगेगा. देन ये और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ऐसे मेरे पास 10 क्वेश्चन है. ओके 10, ओके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ओके और ये 18. ये 18 क्वेश्चन सेट है मेरे पास, सेम सम होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है इसमें. जस्ट आपको पूरा बोलेगा पूरा डिजाइन करो या फिर जो एक पार्ट बोलेगा वो डिजाइन करो. सो मैंने जो सम लिया है उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. ओके ये मेरा मास्टर सम है, ये आपके नोट्स आपको यू कैन व्हाट्सअप मी और मेरे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे ये. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. ओके क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपका मेन डायग्राम है सेंट्रल पंप का. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सक्शन हेड. ओके क्या लिखा है यहाँ पे, यू रिक्वायर्ड अ सक्शन हेड. कितना लगता है आपको सक्शन हेड, दैट इज एच एस यूनिट 2 मीटर. कितना लिखा है, 2 मीटर. और क्या बोला, एच डी. कितना बोला एच डी, 16 मीटर. एंड एल डी लेंथ ऑफ द एल एस मतलब लेंथ ऑफ सक्शन पाइप, एल डी मतलब 50 मीटर. अभी समझेगा नहीं एग्जैक्टली आपको ये क्या है बता रहा हूँ मैं. सो उसके लिए हम लोग अजूम करेंगे कि सबसे पहला स्टेप वन क्या लिखा है, स्टेप वन सिलेक्शन ऑफ लेआउट ऑफ द पंप. मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल लेआउट ऑफ पंप, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंट्री होगा. एंट्री कहाँ से होगा इसमें, पंप में एंट्री होगा, हॉरिजॉन्टल एंट्री होगा. ओके जो एंट्री जो होगा पंप के अंदर, ओके इसके ऑल्ड इज पंप, तो यहाँ से इसका एंट्री होगा, इज द हॉरिजॉन्टल एंट्री. ओके थ्रू द आई, इसको आई बोलते हैं इसको, इस साइड में आई. ओके एंड क्या होगा, आउटलेट कैसा होगा, आउटलेट इज द रेडियली, रेडियली आउटलेट होगा इसका, इसको रेडियल आउटलेट थ्रू द केसिंग. केसिंग से क्या होगा, ये रेडियली आउटलेट होगा. ओके लिखा है मैंने यहाँ पे इनलेट ऑफ फ्लूइड एक्सेल थ्रू आई, आउटलेट फ्लूइड रेडियल थ्रू द केसिंग. ओके सो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. क्या किया आपने, सिलेक्शन तो लेआउट ऑफ पंप, तो ये रहा मेरा डायग्राम, हियर इज माय डायग्राम. ओके यू कैन सी द डायग्राम, द होल डायग्राम ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप. ओके ये रहा आपका सिंपल मैंने बनाया सेंट्रिफ्यूगल पंप. एग्जाम में टाइम रहता नहीं इतना मेरे पास, सो एक सिंपल डायग्राम बनाने का. ये रहा मेरा सेंट्रल पंप, यहाँ पे एक दो बेंड दिखा देने के. ओके देन मैंने कैसा एंट्री किया, ऐसा एक्चुअल एंट्री किया है, ऐसा एंट्री होगा ये सेंस में घूमेगा, तो राइट हैंड थंब लोगों को पता होगा ये सेंस में घूमेगा तो बाहर आएगा, ये सेंस में आएगा तो अंदर जाएगा. ओके नाउ ऐसा घूमेगा, ये ऊपर फेंकेगा, तो ये क्या आपका सक्शन पाइप, ये आपका डिलीवरी पाइप. नीचे स्ट्रेनर लगा है, गंदा पानी गंदा सेंस जो भी मल्ट भी रहेगा वहाँ पे क्लीन होना चाहिए, फिर अंदर एंट्री होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे चॉकअप हो जाएगा. ओके ये क्या है, फुटबॉल लगा है यहाँ पे. ओके विद स्ट्रेनर पाइप कनेक्ट किया यहाँ से, देन यहाँ से लेके दूसरे पाइप डिलीवरी पाइप को लगाया मैंने यहाँ पे. एग्जांपल ये पंप आपके यहाँ पे सोसाइटी में बिल्डिंग में है, आपके म्यूनसिपैलिटी में पानी कहाँ पे आता है, ग्राउंड फ्लोर पे आता है. देन ग्राउंड फ्लोर से लोग क्या करते हैं, उसको टॉप फ्लोर जो है अपना गच्ची, ओके और टायर्स के ऊपर लोग यहाँ पे स्टोर करते. ओके तो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से जब भी हमें लाइक वाटर चाहिए, लाइक सुबह या टाइमिंग जो रहेगा एज पर सोसाइटी, हम वहाँ पर छोड़ते हैं उसको. ओके तो इसका काम क्या है, सेंट्रल पंप का जो पानी आ रहा है म्यूनसिपैलिटी का, वहाँ से उसको लेके एक सम रहता लेवल, वहाँ से उसको पंप करना पड़ता है टू द टेरेस लेवल. ओके टू द अप लेवल. तो यहाँ पे दो पाइप लगता है, एक होता है सक्शन पाइप, एक होता है डिलीवरी पाइप. नाउ जो ये रहा आए, तो ये जो रहा फ्लूइड लेवल, ओके एफ एल एस फ्लूइड फ्री लिक्विड सर्फेस, यहाँ पे वाटर करके एफ डब्ल्यू एस फ्री वाटर सर्फेस आएगा. ये दिखा एरो दिख रहा है ये रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके दिस इज द एच एस सक्शन हेड, एच एस जो आपको दिया है एच एस. देन ये पॉइंट से लेके जो आए आए पॉइंट से लेके जो जहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे इसका डिलीवरी टैंक है, वहाँ तक क्या होगा, दिस इज द एच डी. क्या होगा, दिस इज द एच डी. नाउ नेक्स्ट एच एस प्लस एच डी, क्या बोला मैंने, एच एस प्लस एच डी क्या होगा, द एच एस प्लस एच डी. ओके एच स्टैटिक इज इक्वल टू होता है एच एस प्लस एच डी. क्या होता है एच स्टार्टिंग विद एच एस प्लस एच डी. ओके एच एस क्या होता है सक्शन हेड, एच डी क्या होता है डिलीवरी हेड. ओके नाउ अभी यहाँ पे एज पर द फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे क्या होते हैं लॉसेज होते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेज, एक होता है मेजर लॉसेज, एक होता है माइनर लॉसेज. ओके मेजर लॉस किसके थ्रू होता है, थ्रू द डार्सिक वेबिज इक्वेशन के थ्रू क्या होते हैं यहाँ पे लॉसेज होते हैं मेजर लॉसेज.
और माइनर लॉसेस क्यों होते हैं, बिकॉज द बेंड वॉल्स आएंगे उसके अंदर, मैंने तो वॉल अब लगाया वहाँ पे टू ऑपरेट और क्लोज करने के लिए, एंड देन वहाँ पे जो बेंड लगाया मैंने उसके थ्रू बेंड हो गया, तो ये और एंट्री लॉस एग्जिट लॉस ये माइनर लॉसेस में आते हैं। सेम डिलीवर साइड में भी होगा, देर विल बी द सम लॉसेस, सम मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। ओके एग्जाम में करना है आपको, यू कैन निगलेट द माइनर लॉसेस। ओके अगर दिया हुआ है बैंड आपको तो यूज द बैंड नंबर लॉसेस इन माइनर लॉस यूज करो, अदरवाइज डोंट यूज द माइनर लॉसेस। ओके नाउ ये हो गया आपका पूरा होल डायग्राम, सो विल स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। सो स्टेप वन हो गया आपका, नाउ द टर्म ऑफ द स्टेप टू। नाउ स्टेप टू क्या बोलता है, स्टेप टू स्टे दैट सक्शन एंड डिलीवरी पाइप डिजाइन। क्या बोला यहाँ पे स्टेप टू में, सक्शन एंड डिलीवरी पाइप डिजाइन। नाउ क्या बोलूंगा मैं, मटेरियल ऑफ द पाइप क्या बोलूंगा, सिलेक्ट कार्बन स्टील बोलूंगा यहाँ पे। ओके करोड नहीं होना चाहिए करके इसका मैं नोट लिखा है, मटेरियल शुड बी ऑफर द लेस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड इट मस्ट बी एंटी एब्रेसिव एंटी कोरोसिव। ओके दैट्स द रीजन आई यूज द कार्बन स्टील। ओके इसका अलग अलग ग्रेड्स होता है, ओके इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आपको। ओके व्हेन कमिंग प्रैक्टिकल यू ऑल्सो नो कम टू नो एक्चुअल प्रैक्टिकल इन सेंस, जब आओगे इंडस्ट्री में यू विल कम टू नो द टाइप्स ऑफ ग्रेड्स। ओके और द पाइप बेसिकली हम यूज करते हैं शेड्यूल पाइप्स करके आता है। ओके हम लोग यूज करते हैं शेड्यूल 80 शेड्यूल 60 डिपेंड ऑन द वेरियस टाइप्स। ओके एंड मस्ट बी क्लियर कि पाइप जो मिलता है आपको इंच से मिलता है, नॉट इन एमएम, बट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं करके वी यूजिंग द टर्म्स एमएम। ओके फर्क नहीं पड़ता है। ओके नाउ देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा डिस्चार्ज दिया है कितना दिया है एक्चुअल 1500 LPM, ओके 1 लीटर इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू 0.025 मीटर क्यूब पर सेकंड। विल फॉलो द SI यूनिट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट तो मिलेगा आपको यहाँ पे क्यू थ्योरेटिकल, हम लोगों ने अज्यूम किया कि मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना है, मेरा 0.95 इज माई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके सो यू विल गेट द क्यू थ्योरेटिकल हियर इन मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके फॉलो द SI यूनिट। ओके देन सी में आएगा, मतलब ए हो गया बी हो गया देन सी, सी में आएगा आपका सक्शन पाइप। नाउ सक्शन पाइप में हम लोग अज्यूम करेंगे द वेलोसिटी दैट वी बार, वी बार फॉर वेलोसिटी, समटाइम वी गेट कन्फ्यूज इन वी एंड वी बार, तो वॉल्यूम होता है कि क्या है करके हम लोग ने इसको वी बार बोला है वेलोसिटी को, एंड वेलोसिटी वाटर इन सक्शन पाइप हम लोग अज्यूम करेंगे रिकमेंडेड है एज पर द स्टैंडर्ड। ओके जहाँ पे भी वाटर वर्क आता है, जहाँ पे भी वाटर वर्क आते हैं, जहाँ पे वाटर के ऊपर काम होते हैं, वाटर के ऊपर डिजाइन होता है, तो वी यूज द ए आवा स्टैंडर्ड, अमेरिकन वाटर वर्क सोसाइटी करके है, एसोसिएशन करके आवा स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। ओके ओके आवा स्टैंडर्ड, ये आवा स्टैंडर्ड यू कैन गो टू द नेट, आपको पता चलेगा व्हाट इज द आवा स्टैंडर्ड। तो एज पर द आवा स्टैंडर्ड हम लोग डिजाइन करते हैं एनी लाइक बटरफ्लाई वॉल 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 जो भी होता है एज पर द आवा स्टैंडर्ड हम डिजाइन करते हैं। नाउ सो उसमें रिकमेंड किया हुआ है कि द फ्लो वेलोसिटी जो रहेगा इसका कितना होगा 2-3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ओके अज्यूमिंग हमने अज्यूम किया कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ओके आपको जो करना करो 2.5 लो या फिर 3 लो। ओके देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज विल द एरिया ऑफ द पाइप इनटू वेलोसिटी एज इन द फ्रॉम द एफएम क्या होता है क्यू इज इक्वल टू ए इनटू वीएस। ओके वी वेलोसिटी, तो क्यू थ्योरेटिकल एरिया का क्या होता है यूनिट मीटर स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड दैट द विल गेट द मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ ये रहा वैल्यू आपके साथ आपके पास क्यू थ्योरेटिकल का 0.0263 यहाँ पुट करो, देन एरिया क्या होगा पाइप करके कट करोगे तो पाई बाई 4 डी एस का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी 2 में, देन यू विल गेट द डी एस वैल्यू। यहाँ पे बोला आपको मैंने पहले ही कि एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में जो पाइप मिलता है मार्केट में वो किसमें होता है इंचेस में होता है, बट सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एमएम में लेंगे। ओके तो जो आएगा उसको डोंट मेक इट ब्रैकेट इन एग्जाम, अगर ब्रैकेट एग्जाम करते हो तो थोड़ा मार्क्स कट बिट हो जाते हैं, मतलब कुछ यहाँ पे लगा आपको कि लाइक एग्जामर का आएगा यहाँ पे चेक करेगा, तो डोंट मेक एनी आंसर इन ब्रैकेट, जस्ट फॉर्मूला है उसको ब्रैकेट में करो, बाकी आंसर को ब्रैकेट में करो मत। ओके नाउ देन आपको मिला डी एस देन डिलीवरी पाइप क्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू ए डी इंटू वी डी, ए डी क्या होगा पाई फोर डी डी का स्क्वायर, यहाँ पे डी एस का स्क्वायर यहाँ पे डी एस डी डी का स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा द डायमीटर ऑफ द पाइप, जो पाइप जो लगाऊंगा मैं सक्शन और डिलीवरी में उसका अलग मुझे पाइप का डायमेंशन मिलेगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा डी डी, पुट करोगे वैल्यू यू गेट डी डी। ओके यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे जो लेना है वीडी यहाँ पे भी डिलीवरी पाइप के लिए रिकमेंड किया हमें 3-5 मीटर पर सेकंड का यहाँ पे रिकमेंड किया, तो मैंने यहाँ पे 5 लिया हायर साइड में गया कि डिलीवरी होना चाहिए, मालूम पड़ा कि मैं थर्ड फ्लोर तक डिजाइन किया और सेकंड फ्लोर तक ही नहीं पहुँच पा रहा है। ओके दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पे 5 लेते हैं वेलोसिटी
ओके नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया स्टेप टू हो गया आपका, देन आएगा यहाँ पे स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द ओके। स्टेप वन में क्या था मेरा, स्टेप वन में था मेरा सिलेक्शन ऑफ पंप लेआउट, स्टेप टू में था मेरा सक्शन एंड डिलीवरी पाइप का डिजाइन। पाइप का डिजाइन, डिजाइन इन सेंस व्हाट इज माय डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है फाइंड द डायमीटर। ओके स्टेप थ्री क्या है मेरा, कैलकुलेशन ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मैनोमेट्रिक हेड, यू हैव द फॉर्मूला मैनोमेट्रिक हेड का, समेशन एच एच एस प्लस समेशन एच डी। ओके नाउ वेयर एच एस क्या होता है, ये जो है एच एस, दिस एच एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द सेक्शन हेड। ओके नेट हेड ऑन अ सेक्शन साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, एच एस जो होगा वो नॉर्मल प्लस मेजर लॉसेस प्लस माइनर लॉसेस। ओके तो हम लोग ने क्या बोला, पहले मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं जो है मेजर लॉसेस लूंगा, माइनर लॉस में क्या करूँगा निगलेक्ट कर दूंगा। अगर एग्जाम में दिया हुआ बैंड और वॉल दिया हुआ तो यूज करो, अदर डोंट यूज, ओके डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके यहाँ पे होगा देखो एच एस एच वी एच बी एच आई, ये क्या है तीनों, दिस इज अदर माई माइनर लॉसेस, और ये एच एफ एस ये क्या मेरा मेजर लॉस, इट इज फ्रिक्शन लॉस। तो यहाँ पे मैंने एक रूल बनाया है, वॉल फिटिंग लॉसेस 0.2 इंटू नंबर ऑफ वॉल्स लो, बेंड के लिए 0.1 इंटू नंबर ऑफ बेंड्स लो, एंट्री लॉसेस जो होगा आपका जो फॉर्मूला है आपका तो वो यूज़ करो, बट यूज़ करो ही मत, सीधा क्या करना है आपको फ्रिक्शन लॉस करना है। तो क्या फॉर्मूला उसका, एफ एल वी का स्क्वायर अपॉन 2gd। ओके क्या होता है, एफ एल वी का स्क्वायर अपॉन 2gd। तो यहाँ पे एफ कौन सा होगा, फ्रिक्शन फैक्टर होगा। ओके क्योंकि यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ फैक्टर विद द वैल्यू एफ का, वो कितना ले रहा हूँ मैं, 0.01 से बड़ा ले रहा हूँ, दैट्स द रीजन ये क्या होगा फ्रिक्शन फैक्टर होगा। अगर वैल्यू कितना है 0.01 से कम है तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो उसमें जो क्या करना पड़ता है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ता है टू मेक इट द फ्रिक्शन फैक्टर। ओके नाउ तो मैंने क्या अजूम किया यहाँ पे, एफ इक्वल टू 0.03 अजूम किया है। तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं एफ एल एस सेक्शन साइड के लिख करो करके एल एस वी एस दैट इज द सेक्शन साइड करके वी वेलोसिटी होगा, देन 2gd डी के लिए क्या डी एस, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ऑफ द सक्शन साइड कर रहा हूँ करके डी एस। ओके तो ये आएगा आपका वैल्यू 0.03 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके देन 2 9.81 इंटू दिस वैल्यू, तो यू विल गेट द सम वैल्यू 0.235। क्या करोगे, समेशन एच एस निकालने के लिए एच एस प्लस ये ऐड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू। ओके तो ये रहा आपका फ्रिक्शन लॉस, लॉस का वैल्यू दोनों को ऐड करोगे 2 into +0.235, यू विल गेट 2.23 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ओके क्या होगा, मीटर ऑफ वाटर कॉलम है ना। अभी क्या करना है, अभी सक्शन साइड डिजाइन करेंगे तो अभी चेक करना है कि यहाँ पे जब पंप कर रहे हैं हम लोग तो इतना भी हाइट पे नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कैविटी फॉर्म हो। ओके तो दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पे करेंगे चेकिंग फॉर द कैविटेशन। ओके क्या आएगा यहाँ पे, तो नेट नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, दैट इज एन पी एस एच। क्या होता है, एच एटमोस्फेरिक माइनस एच मैनोमेट्रिक ऑफ सक्शन साइड माइनस एच वी। एच वी क्या होता है, वेपर प्रेशर हेड। क्या होता है, एच वी होता है वेपर प्रेशर हेड ऑफ द वाटर। ओके वो कितना होता है 2.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, इट इज एच टू ओ। नाउ यू कैन सी एन पी एस एच। ओके क्या होगा, ये एच मैनोमेट्रिक सॉरी ये जो होगा एन पी एस एच इक्वल टू एच एटमोस्फेरिक, वन एटमोस्फेरिक इक्वल टू होता है 1.01325 बार, अल्सो इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ एच जी, अल्सो इक्वल टू होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो ये रहा वाटर कॉलम, ये इसका वाटर पेपर एच वी एन पी एस एच और एच मैनोमेट्रिक ऑन सक्शन साइड। तो जो वैल्यू आना मांगता है मेरा, ये एन पी एस एच शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, एच एटमोस्फेरिक होगा 10.3। ओके 10.3 एच मैनोमेट्रिक निकाला मैंने यहाँ पे 2.235 माइनस करो उसमें से, देन वाटर हेड कितना है 2.3 माइनस करो कितना आ रहा है, प्लस आया है प्लस 5.765 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, दैट्स द रीजन। तो क्या होगा इससे, क्या समझ रहा है, एन पी एस एच इज पॉजिटिव, हैंस द पंप ऑपरेट कैविटेशन फ्री। ओके तो ये रहा आपका डिजाइन होगा सक्शन साइड का। नाउ टर्म्स ऑफ डिलीवरी पाइप, सो इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी पाइप क्या होगा, सेम करूंगा मैं नेगलिंग द माइनर लॉसेस, मेजर लॉस क्या आएगा यहाँ पे एच एफ डी। ओके क्या होगा, तो एफ एल वी का स्क्वायर अपॉन 2gd, एल किसका होगा डिलीवरी का, तो डी वेलोसिटी किसका डी का डिलीवरी का करके डी, देन डायमीटर किसका होगा पाइप का डिलीवरी से तो डी। तो मुझे वैल्यू आएगा यहाँ पे 7.7, मुझे एलडी दिया हुआ है एग्जाम में तो यूज़ करो वो, देन यहाँ पे एच लॉस 7.77 मीटर आएगा, दोनों को ऐड करो एच डी प्लस एच लॉस ऑन अ डिलीवरी साइड तो कितना हो गया 23.77, ये रहा मेरा वैल्यू। ओके नाउ नेक्स्ट फिर होगा मेरा यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड क्या होगा, मैनोमेट्रिक हेड इज द टोटल सम ऑफ द मैनोमेट्रिक ऑफ सक्शन साइड प्लस मैनोमेट्रिक हेड ऑन द डिलीवरी साइड। ओके नाउ
अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सो हम लोग रीड करेंगे स्टेटमेंट क्या है. ओके, ये सम मेरा मास्टर सम है, आप लोग ये अगर सम करोगे तो एग्जाम में तो आपको कौन सा भी सामान दो यू कैन अटेम्प्ट. ओके, नोट क्या लिखा है, इफ़ ओनली एस स्टैटिक इज गिवन, अगर आपको सिर्फ सम में एस स्टैटिक दिया हुआ है एंड एल एस एन एल टी आर नॉट गिवन, जैसे इसमें दिया है, अगर आपको एल एस एल टी नहीं दिया है देन क्या करोगे आप लोग, देन अज्यूम करोगे कि एच एम क्या है 1.35 से लेके 1.2 ऑफ एस स्टैटिक. हमेशा हायर साइड के लिए वैल्यू को लो, मैं लूंगा एच एम इक्वल टू 1.3 ऑफ द एस स्टैटिक. ओके, इफ मैनोमेट्रिक एड सेकेंड कंडीशन, इफ द मैनोमेट्रिक एड इज गिवन इन अ प्रॉब्लम एलिमेंट द कैलकुलेशन लॉसेस, एलिमेंट करो सब लोग जो स्टेप टू में किया सब मत करो, डायरेक्ट अज्यूम द फॉलोइंग रिलेशन, क्या आएगा एच डी, जो एच डी आएगा एच डी विल बी द 65% ऑफ एच एम एंड एच एस विल द 8% ऑफ एच एम. ओके सॉरी, एच एस इक्वल टू 8% ऑफ एच एम. ओके, तो ये आपको डायरेक्ट स्टेप टू स्कीप हो जाएगा, डायरेक्ट ये टर्म आएगा अगर आपको क्या दिया रहेगा मैनोमेट्रिक एड एग्जाम में डायरेक्ट दिया होगा तो. ओके, ये हो गया आपका कवर स्टेप थ्री. नाउ स्टेप फोर, यही एक टॉपिक है, मतलब यही जो स्टेप फोर है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, पीएजी का यूज़ करना पड़ रहा है. हम लोग यूज़ करेंगे पीएजी 5.124. क्या करूँगा मैं, पीएजी पीएजी नंबर 5.124 पीएजी 5.124 ए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा. ओके सो नाउ अभी मोटर पावर. ओके, तो मुझे मोटर सेलेक्ट करना है, हम लोग मोटर डिजाइन नहीं करते, हम लोग क्या करते सिलेक्शन करते मोटर का, क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द सेंट्रल पंप, वी आर नॉट गोइंग टू डिज़ाइन द मोटर. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर. सो क्या होगा यहाँ पे, पावर होगा वाटर पावर डिवाइड बाय द ओवरऑल एफिशिएंसी. अभी ना वाटर पावर क्या होता है, उसमें डेंसिटी आएगा. ओके, तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डिस्चार्ज इंटू मैनोमेट्रिक हेड, या फिर उनका फॉर्मूला है रो ऑफ वाटर इंटू क्यू एक्चुअल इंटू एच मैनोमेट्रिक. तो ये रो ऑफ वाटर कितना होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर. ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू उसमें जी मल्टीप्लाई करते हैं 9.81, तो ये करके हो जाता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. देन क्यू एक्चुअल हमने निकाला है, हमारे पास क्यू थ्योरेटिकल था, हमने क्या किया उसको मल्टीप्लाई क्या किया हम लोगों ने, सॉरी डिवाइड क्या किया उन्होंने, ईटा वॉल्यूमेट्रिक डिवाइड किया, सो हमको क्या मिला क्यू एक्चुअल मिला, ये क्यू एक्चुअल मेरा 0.0263. ओके, हमारा क्या था वो 1500 LPM था, हमने उसको कन्वर्ट किया था मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ये वैल्यू ज़्यादा ही है. ओके, नो एच एम 26 मीटर हम लोग जस्ट फाइंड किया अभी. देन द ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा, ईटा ओवरऑल मैकेनिकल एफिशिएंसी प्लस मैनोमीटर एफिशिएंसी प्लस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो हमने सबको सुन किया 0.9 0.9, आपको जो लेना ले लो 0.9 0.95, तो मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द वैल्यू. तो मेरा पूरा आएगा ये 0.9 × 0.9 × 0.95, तो ये पॉइंट जो है वाटर पावर जो यहाँ पे लिखा है रो इंटू क्यू इंटू एच एम करके कितना आया था मेरा वैल्यू 6.708 × 10³ वैट्स में, तो डिवाइड करो यू विल गेट द वैल्यू 8825.54 वैट. ओके, अब जाओगे पीजी में, जाना पड़ेगा आपको पीजी में 5.124 में, अब जाओगे पीजी 5.124 में यू विल गेट द वैल्यू. ओके, इससे बड़ा वैल्यू लेना है आपको तो यहाँ पे डायरेक्टली जो नेक्स्ट वैल्यू मेरा वो कितना है 11 kW का वैल्यू, कितना वैल्यू मेरा 11 kW का वैल्यू है. ओके, यहाँ पे देखो अभी पीजी मेरे पास है नहीं क्योंकि करंटली, तो आई कैन शो यू. तो ये क्या है वैल्यू लिया मैंने 11 kW लिया, क्योंकि डायरेक्ट 7 के बाद डायरेक्टली 11 आता है, तो यहाँ पे 11 है 11 kW. बट यहाँ पे क्या आता है देर आर द 3 स्पीड रेंज. अभी कुछ भी लोगे आप लोग 5 लोगे 7 लोगे तो यहाँ पे एक स्पीड रेंज है आपके, एक 1000 RPM, एक 2500 RPM और एक 3000 RPM. बच्चे लोगों को हमेशा डाउट होता है कि ये 1010 लिखा है, 2500 लिखा है और 3000 लिखा है, तो भी एग्जाम में कैसा आता है ये, ये 1000 होता है 960, ये 2500 होता है 2440 और 3000 होता है 2880. कैसे होता है इसमें क्या करते हैं 4% लॉस बोलते हैं, 4% लॉस मतलब स्लिप लॉसेस, मतलब क्या होगा 1000 मैंने लिया तो 1000 × 1000 × 0.04 ये आई वैल्यू आएगा 960. क्या करते हैं लोग 4% स्लिप लॉस हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, तो वैल्यू आता है इसका 3000 का आता है 2880 RPM 1440 RPM एंड 960 RPM. ओके, नाउ नेक्स्ट सिलेक्शन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड NS. ओके, अभी सिलेक्शन करने का एज पर द स्पेसिफिक स्पीड क्या है इसके सबसे, तो क्या होगा बेस्ट क्या है उसका 10 to 40 है, ऑप्टिमम कितना है 20 to 45. इसका एक फॉर्मूला NS का, NS इक्वल टू N इंटू क्यूब रूट ऑफ क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय द एच एम रेस्ट टू 3/4. ओके, ये फॉर्मूला है फॉर द बेस्ट सुटेबल स्पीड ऑफ द ओके पंप के लिए, तो ये आना चाहिए. तो हम लोग ये पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो आपको वैल्यू मिलेगा व्हेन एन इक्वल टू 280 RPM
तो 40.56 आ रहा है, जब n इक्वल टू 1440 आरपीएम में तो n कितना आ रहा है 20.28 आ रहा है, जब भी आपका n कितना है 960 है तो आपका ns कितना आ रहा है 13.35 आ रहा है। तो हमें क्या लेना है, एक बेस्ट टू लेना है, तो हम लोग लेंगे इसको ये रहा 20 से लेकर 45 रेंज में ऑप्टिमम वैल्यू, तुम लोगों ने ये सिलेक्ट किया। तो अगर आपको ये नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्टली गो टू 1440 यू विल गेट द वैल्यू। ओके, हमेशा ये ले लो 1440। ओके नाउ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड मोटर। हमने अभी मोटर का पावर डिसाइड कर लिया था बट स्पीड डिसाइड नहीं किया था। हमने स्पीड किस पर डिसाइड किया, हमने हमारा स्पीड डिसाइड किया एज पर द सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड। तो ये आया 1440। सो हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद द कैपेसिटी ऑफ 11 kW। ओके, फ्रॉम द पी ए जी 5.124 विद द आर पी एम 1440 आर पी एम। ओके, ये हो गया आपका डिजाइन सिलेक्शन ऑफ द मोटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन द इम्पेलर। अभी नाउ द बिग थिंग इज कम डिजाइन द इम्पेलर। तो हम बताना पड़ेगा ये इम्पेलर होता क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पेलर। नाउ ये आर द सम पिक्चर्स है मेरे पास इसके। ओके, जिन्होंने क्लास लगाया मेरे को उसको पता है, उनको वीडियो है दिखाया मैंने इनके बारे में। ओके, सो लेट्स सी हियर। ये रहा केसिंग, वाटर फ्लो रहा इज द आई। ओके, ये केसिंग है, बोल्टिंग की वर्थ है। ये केसिंग पूरा बनता है ग्रे कास्ट आयरन से, कास्टिंग से करना पड़ता है। ओके, मशीनिंग इज नॉट पॉसिबल, हम लोग कास्टिंग करते हैं। ओके, कास्टिंग के टाइप्स होते हैं अलग अलग, सैंड कास्टिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ओके, एक्यूरेसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सैंड कास्टिंग सस्ता होता है बट उसमें क्या पॉजिटिव प्रॉब्लम होता है, जो प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाता है, दैट्स द रीजन वी यूज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ओके, ये पानी आ रहा है आय से, जा रहा है डिलीवरी पाइप को। ओके, ये ऐसा रहेगा, ये आपको दिखेगा यहाँ पे साइड में खाली है पूरा, कुछ नहीं सिर्फ केसिंग यहाँ पे, इसको कॉल्ड वॉल्यूट केसिंग। देन यहाँ पे दिखेगा आपको एम्पेलर। ओके, ये दिखा एम्पेलर, ये फ्रंट शाउट सेकेंड शाउट। ओके, ये पीछे ब्लेड्स हैं इसके। ओके, देखिए ध्यान से बताऊँगा आपको डिटेल में इसके बारे में, ये हब है उसका। देन नेक्स्ट अगे आपको देखना है यहाँ पे, यू कैन यूज द डम। ओके, देखिए यहाँ पे FC लिखा, FC सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, FC ऐसा गोल गोल घूमता है, पानी यहाँ पर निकलता है, ये अंदर जाता है में, और यहाँ पे ब्लेड से बैकवर्ड का ब्लेड हम मोस्टली यूज करते हैं। ओके, बैकवर्ड कव ऐसा ये टाइप का बेंट रहेगा कव में। ओके, दिखा ये भी बैकवर्ड कव वेंस, ये ऐसे पानी यहाँ पे छोड़ेगा, रेडियली आउटलेट करिए आए। देखो तो प्रेशर इज क्या है, प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक, अंदर का प्रेशर कम रहेगा तभी अंदर सक्शन होगा, अंदर सक्शन नहीं होगा दैट्स द रीजन हम लोग क्या करते हैं पी, इसका जो अंदर क्या होता है प्रेशर क्या है कम रहता है। ओके, सेम लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। ओके, टाइप्स ऑफ द ब्लेड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ द इम्पेलर। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द इम्पेलर, ये रहा हब, ये रहा बेस प्लेट, ये रहा क्राउन प्लेट। ओके, इसका ये हब यहाँ पे अटैच होगा, शाफ्ट रहेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे से एंट्री होगा, यहाँ से आउटलेट। देखो D1 इज द इनलेट एंड D2 इज द आउटलेट, ये क्राउनिंग यहाँ पे रहता है। ओके, ये बेस प्लेट ब्लेस में रहेगा, फिर बुश यहाँ पे रहेगा, सेम में भी कास्टिंग करना पड़ता है इसको, या फिर कास्टिंग या फिर वेल्डिंग, एज पर द प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, हम लोग यहाँ पे मोस्टली यूज़ करेंगे वेल्डिंग यूज़ करते हैं, प्लेट मिलते हैं रेडीमेड, हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर सकते हैं इसको। देन ये रहा D1, D1 इज द इनलेट, D2 इज द आउटलेट। ओके, यहाँ से इनलेट होगा और यहाँ से बाहर से आउटलेट होगा। सो स्टार्ट करेंगे आगे डिजाइन ऑफ द इम्पेलर विद द ब्लेड्स। ओके, नाउ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर की यूज करते हैं उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, सो लेट्स गेट द डीप, इट शुड हैव मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट शुड बी मोर इम्पार्ट रिक्वायर काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंटी एरोजन एंड एंटी करोजन, लेस फ्लूइड फ्रिक्शन, शॉकलेस एंट्री एट द एग्जिट। ओके, डेंसिटी शुड बी लो, वेल्डेबिलिटी फॉर द लोकल रिपेयर्स। ओके, रिपेयर करना क्या, लोकली रिपेयर होना चाहिए, अदरवाइज मैंने लाइक मैं रहता हूँ मुंबई, मैंने डिलीवरी किया दुबई में। ओके, अगर चेन्नई में तो मेरा सर्विस इंजीनियर जा रहा है, सर्विस इंजीनियर वहाँ पे जा रहा है तो थोड़ी कुछ लेके आएगा इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे, तो क्या होगा वहाँ पे जो लोकल सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वहाँ पे, लोकली वहाँ पे उसका काम होना चाहिए, इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। ओके, डिज़ाइन करना इज़ अ बेस्ट, इज़ अ वेरी गुड क्रिटिकल जॉब, कि आपको फ्यूचर सोच के आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, टाइप को जैसे क्लोज, सेमी क्लोज, ओपन। ओके, नाउ ये रहा TFP और MUS, आपने देखा रहेगा। ओके, हमारे टाइम में थर्मल में था ये सब। ओके, एंड हाइड्रोलिक्स में था, अभी तो हाइड्रोलिक्स नहीं है, अभी MUS एंड थर्मल है। नाउ इनलेट एंड वेलोसिटी ट्राइंगल्स। ओके, तो ये रहा वेन, जो बैकवर्ड का वेन बोला मैंने, ये रहा वेन, यहाँ पे बोला मैंने एक्सलेंट्री बोला है, क्या बोला मैंने यहाँ पे एक्सलेंट्री बोला है, दैट द रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, द वैल्यू V1 एंड VF1 इज सेम। व्हाट इज V1, V1 स्टैंड फॉर द एक्सेल वेलोसिटी, F स्टैंड फॉर द फ्लो वेलोसिटी,
R stand for the relative velocity, U stand for the blade speed, beta stand for the blade angle. Okay, so W stand for the whirl velocity. देखिए यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे से एंट्री एक्सेल हो रहा है करके 90 डिग्री हो गया फ्लो में. V1 इक्वल टू VF1, ये क्या होगा, द एंगल बिटवीन द अल्फा एंड बीटा, द एंगल बिटवीन द अल्फा एंड बीटा इज कॉल्ड द U. क्या होता है, द एंगल बिटवीन द अल्फा एंड बीटा इज U. ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा. यहाँ पे एक्चुअली एंट्री करके अल्फा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो दैट्स द रीजन V1 इक्वल टू VF1 हो गया. ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, क्या डिस्टेंस क्या होगा, होगा U, तो U2. ये इनलेट के लिए, आउटलेट के लिए, वन स्टैंड फॉर इनलेट, टू स्टैंड फॉर आउटलेट. ओके, सो ये रहा फ्लो, यहाँ से आएगा ये रिलेटिव, ऐसा आएगा यहाँ से आएगा. ओके, देखो समझ से इसको नहीं रट्टा मारो इसको. ओके, सो विल स्टार्ट विद द डिज़ाइन करेंगे इसका. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या क्या है, यू वन यू टू. ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ द आई डी एंड ओ डी. तो मेरा क्या काम है, जो क्या करना है, डिज़ाइन मतलब क्या करना है, डिज़ाइन मतलब फाइंड करना डायमेंशन, दैट्स इट. ओके, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग जो एप्लीकेशन आपका कहाँ पे यूज़ कर रहे हो. ओके, हमने सॉम पढ़ा, ATT पढ़ा, ATT मतलब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सॉम पढ़ा, देन हम लोगों ने क्या मशीन डिज़ाइन पढ़ा, तो सबका हमें यहाँ पे यूज़ करना है, बेसिकली सॉम आना चाहिए. ओके, नाउ कैलकुलेशन आई डी एंड ओ डी इम्पेलर. वी नो दैट द इम्पेलर वेलोसिटी एट द आउटर पेरीफेरी. वी नो दैट, क्या क्या लिखा मैंने, इम्पेलर का वेलोसिटी क्या होता है, एट द आउटर पेरीफेरी मतलब आउटलेट टू पे. यू टू इक्वल टू के यू टू अंडर टू जी एच एम, ये एम यू का फॉर्मूला है. ओके, के यू टू हम लोग यूज़ करते हैं एट अ लोड स्पीड, के यू इक्वल टू 0.95 HM, हाइड्रोलिक हेड आपको, सॉरी मैनोमेट्रिक हेड आपको पता है, ये के यू टू स्लीप फैक्टर होता है 0.95 लो स्पीड के लिए या हाई स्पीड के लिए. देन यू टू आपको मिलेगा, इससे आपको यू टू मिला. यू टू क्या होता है, यू टू इक्वल टू क्या होता है, ब्लेड स्पीड. तो ये पाए डी एन बाय 60 क्या होता है, यू इक्वल टू पाए डी एन बाय 60, यहाँ पे टू ए करके यहाँ पे डी टू हो जाएगा, तो रिलेटेड वैल्यू ऑफ डी टू. हम लोग यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिलेशन मेंटेन करते हैं डी टू बाय डी वन का. ओके, तो ये डी टू मिला, हमने राउंड ऑफ किया इसको, तो जैसे हमने राउंड ऑफ किया इसे यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे अगेन वैल्यू यू रिटर्न यू टू, ये रहा यू टू. हमने यू टू अलग फाइंड किया, यहाँ पे 21.45 हमने डी टू राउंड ऑफ किया करके, हम लोग अगेन यू टू फाइंड करना पड़ा, क्योंकि डिपेंड करते हैं ऑन द पेरीफेरल वेलोसिटी के ऊपर, दैट्स द रीजन हमको यहाँ पे यू टू फाइंड करना पड़ा अगेन. ओके, और हमने क्या बोला आपको, डी टू और डी वन का हम लोग एक रिलेशन मेंटेन करते हैं. ओके, सो ये रहा रिलेशन. नॉर्मली डी टू बाई डी वन क्या होता है, 2 से लेके 2.5 होता है, हम लोग बोलेंगे डी टू इक्वल टू टाइम्स. ओके, डी टू इक्वल टू टाइम्स ऑफ डी वन, तो डी वन मिला. देन अभी आएगा आपका ब्लेड डिज़ाइन. इनलेट कंडीशन हम लोग बोलेंगे देर इज नो पल, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री हो रहा है. वर्ल कितना होगा, जीरो, खत्म. प्री वर्ल जीरो है. ओके, वी वन इक्वल टू वी एफ वन, तो आपको मान लो वी एस इक्वल टू हम बोलेंगे वी एस, जो फ्लो जा रहा है अंदर डायरेक्टली एंट्री कर रहा है, जो पाइप में से आ रहा है, जो हमने अजूम किया था वी एस का, होगा 2 मीटर पर सेकेंड. एग्जिट कंडीशन क्या बोला मैंने, बीटा टू इज लेस देन 90 डिग्री, दैट्स द रीजन उसका एंगल. नाउ फ्रॉम द वेलोसिटी ट्रायंगल, इससे बोला आपको यू क्या होता है, पाई डी एन बाय 60. ओके, नाउ पाई डी वन एन वन बाय 60, पाई इंटू 0.154 इंटू डी वन, एन वन कहाँ से आएगा आपको, एन आपका मोटर का स्पीड, तो ये होगा 1440 RPM. ओके, नाउ ये आ गया आपको 10.94 मीटर पर सेकेंड. देन ये फॉर्मूला आपका ट्रायंगल से मिलेगा आपको, टेन बीटा इक्वल टू वी वन बाय वी वन, सॉरी वी वन बाय यू वन, अपवर्ड साइड 2 मीटर एडजस्ट साइड 90 डिग्री, पुट करके आलो यू विल गेट बीटा वन. देन फ्रॉम द एग्जिट ट्रायंगल, जो आउटर ट्रायंगल है, वहाँ से टेन बीटा इक्वल टू क्या है, वी एफ टू डिवाइड बाई यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू. ओके, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क करोगे, अगेन यूज करोगे फॉर्मूला द मैनोमेट्रिक फिजिक का, क्या होता है, मैनोमेट्रिक फिजिक इक्वल टू एच मैनोमेट्रिक डिवाइड बाय द वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू डिवाइड बाय जी. ओके, देन वी एफ टू का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ टू अंडर टू जी एच एम. के एफ टू क्या होता है, 1/4 से लेके 1/6 तक होता है. ये पुट करोगे यहाँ से, वी एफ टू निकालोगे, एफ टू में मिलेगा, ऐसे वी डब्ल्यू टू मिलेगा, यहाँ पे आपको यू टू मालूम है, आपको मिलेगा बीटा टू मिलेगा यहाँ से, तो ये रहा आपका बीटा वन मिल गया, बीटा टू मिल गया. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा है. ओके, नेक्स्ट आपको आ गया बीटा टू. देन अगेन सेम ट्राइंगल से अल्फा टू क्या होगा, अल्फा टेन अल्फा टू इक्वल टू वी एफ टू डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू, यू विल गेट अल्फा टू. खत्म हो गया यहाँ पे सब ट्राइंगल, एंगल्स मिल गए मुझे, एंगल कैसे बनाऊंगा मैं, देन डिजाइन ऑफ ब्लेड्स. तो नंबर ऑफ ब्लेड कितना होते हैं, 6.5 डी टू प्लस डी वन डिवाइड डी टू माइनस डी वन साइन ऑफ, ये फॉर्मूला है. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका. तो जनरली आपको यू कैन डायरेक्टली अज्यूम क्या करोगे, बोलोगे कि 6 से लेके 12 के बीच में होते हैं, हम लोग जो बोल देंगे कि 6 होता है ये. देन जो ब्लेड्स बनेंगे इसके ऊपर, ये शेप के बनेंगे, देखो यहाँ पे थिकनेस ये टी वन, ये टी टू. ओके, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे कम, ये बी वन, यहाँ पे बी टू, इनलेट टू आउटलेट कम होते आएगा. ओके,
ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंटर देना है यहाँ पे स्मूथ फ्लो करने के लिए। यहाँ पे वजूंगा मैं T1 5 to 8, अजूम करूँगा मैं T16 को, T2 4 mm। नाउ ये विड्थ फॉर्मूला है उसका। ओके देन रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला है, निकालना निकालो नहीं तो मत निकालो, चलता है। ओके एग्जाम पूछा है यूज़ करो नहीं तो मत निकालो। रो इक्वल टू R2 का स्क्वायर - R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, यूज़ करना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट ऑफ R2 into cos beta 2 - R1 cos beta 1, पुट द वैल्यू, ये रहा आपको मिला रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता नहीं, मुझे एग्जाम में एग्जाम में से प्रैक्टिकल में ये आता है DMS के, अभी तो प्रैक्टिकल होता भी नहीं रहेगा DMS का, तो ये आपको एक्चुअली A3 sheet पे आपको ड्रॉ करना पड़ता था पहले। दीज आर द ब्लेड्स। ओके अभी कोई प्रोफेसर करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो। ओके ये रहा आपका डिजाइन ऑफ द ब्लेड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिकल टर्म, डिजाइन ऑफ द इम्पेलर शाफ्ट। ओके नाउ डिजाइन ऑफ द इम्पेलर शाफ्ट, सो वी हैव द सम पिक्चर ओवर हियर फॉर द शाफ्ट। ओके यू कैन सी हियर, ये रहा शाफ्ट। ओके शाफ्ट अभी आपने पढ़ा रहेगा MD1 में MD2 में, नॉर्मल शाफ्ट स्ट्रेट शाफ्ट, बट एक्चुअली में क्या होता है इन प्रैक्टिकल देयर इज सम शाफ्ट में स्टेप्स होते हैं अलग अलग टाइप के। ओके बेयरिंग माउंट करने के लिए, कपलिंग माउंट करने के लिए। ओके नाउ ये केसिंग है, किसमें आप इंसर्ट करोगे बॉक्स के अंदर, देन यहाँ पे स्टफिंग बॉक्स, पैकेजिंग लगाना पड़ता है, सीलिंग लगाना पड़ता है, ओरिंग्स आते हैं डिपेंड रॉड सील, अलग अलग टाइप के सील्स आते हैं, उसके अलग मटेरियल्स होते हैं NBR, वाइटन, फ्लोर सिलिकॉन, डिपेंड करता है आप कहाँ पर यूज़ करो। जनरली अगर नॉर्मल है कंडीशन तो यू यूज़ द NBR सीलिंग, अगर टेम्परेचर बहुत डाउन है -60 तक गया है -40 तक गया है देन यू यूज़ द फ्लोरो सिलिकॉन। ओके अदरवाइज वी यूज द वाइट टोन, ऑल्सो एक टाइप है वाइट टोन करके हम लोग यूज़ करते हैं। ओके ये आपको मैं जानबूझ के बता रहा हूँ अलग अलग टाइप के सीलिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पे 3D पर के आते हो, बट जब जाओगे आप इंडस्ट्री में एक्चुअल में तो आपको पता नहीं होता है कि NBR क्या है, फ्लोरो सिलिकॉन क्या है, वाइट टोन क्या है। फर्स्ट टाइम आप हर्ड कर दो, अरे ये क्या है, ये कभी पढ़ा नहीं हमारे सर ने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके ये बोल्टिंग यहाँ पे करना है। ओके हेक्सागन बोल्ट है ये D933 D913 D912, ये आपको यूज़ करना पड़ता है। देन पैकेजिंग कपलिंग लगाने के लिए दो शाफ्ट को कपल करना है, उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग ये बेयरिंग हाउसिंग। ओके ये टाइप का जो शाफ्ट डिज़ाइन करना है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन ऑफ द इम्पेलर शाफ्ट। ये रहा मोटर, ये रहा कपलिंग, ये रहा बेयरिंग, ये रहा पंप, सिंपल डायग्राम बनाया मैंने, ये मोटर से कपल किया शाफ्ट, छोटा रहेगा थोड़ी बड़ा शाफ्ट देगा आपको, क्या करना पड़ता है यहाँ पे आपको कपल करना पड़ता है, ये पंप आएगा, पंप से यहाँ पे बेरिंग आएगा, सपोर्ट करना आपको पंप घुमाना जोर जोर से तो शाफ्ट बाहर आएगा, शाफ्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो विद द हेल्प ऑफ बेरिंग भी सपोर्ट देने, दोनों को ज्वाइंट करना है क्योंकि मुझे पावर यहाँ से ट्रांसफर करना है। सेंट्रल पंप के पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कपल करना पड़ेगा, कपल के मुझे क्या लगेगा इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा, उसको मुझे टॉर्क लगेगा। क्या मैंने मोटर लिया है, मोटर सिलेक्शन आपको बताया मैंने PG 5.124 में बताया हम लोग ने। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल, जो नॉर्मल हम यूज़ करें मटेरियल C45। ओके C45 मतलब क्या होता है, डी एज पर डीन स्टैंडर्ड ये होता है ENET, क्या होता है ये ENET, वी यूज द टर्म ENET। ओके देन EN24 क्लास होते हैं, टाइप टी, टाइप यू, अलग अलग यू टाइप टी टाइप। ओके टी यू क्या है, इज अ कंडीशन ऑन द मटेरियल। ओके बेसिकली हम लोग C45 यूज़ करते हैं। ओके C40 मतलब ENET विद द FS4, यहाँ पे 4 ले लो बिंदा, बढ़ेंगे एक्चुअल इंडस्ट्री जो मैं यूज़ करता हूँ 1.2 और 1.5 से ज़्यादा नहीं, बिकॉज कॉस्ट बढ़ता है उसका। ओके कंपटीशन मार्केट में इतना, देन टाव आपको मिले PG 5.1 5 1.9 से टाव नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा सिग्मा वाई मिलेगा, वो होता है 360, कितना होता है वो 360, तो 360 डिवाइड बाई FOS तो क्या मिलेगा सिग्मा टी मिलेगा, सिग्मा टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टाव। ओके तो 90 डिवाइड बाई 2 45। नाउ मेथोडोलॉजी क्या है इसका डिजाइन करने का, मेथोडोलॉजी है क्या करना है आपको, इवेल्युएट द शाफ्ट डायमीटर बेस्ड ऑन द ट्विस्टिंग मोमेंट इनिशियली एंड देन चेक फॉर द एक्चुअल स्ट्रेस यूजिंग द एग्जैक्ट एस्टिमेशन। ओके टॉर्क यहाँ पे आएगा, फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का पी इक्वल टू 2 pi NT / MT / 60 मतलब क्या है टॉर्क, पावर 11 kW। ओके सो क्या करूँगा मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करूँगा, दैट इज 10:3। यहाँ से मुझे मिलेगा एम टी आएगा न्यूटन मीटर में, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको जो MT आता है ट्विस्टिंग मोमेंट वो आता है न्यूटन मीटर में आता है, हम उसको क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं इनटू MMA, न्यूटन MMA, बिकॉज हम लोग डिजाइन में हम लोग न्यूटन MMA प्ले करते हैं। ओके सो नेक्स्ट, ओके थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ। ओके मैं शाफ्ट डायमीटर DS कंसिडर करेंगे, टॉर्सनल फॉर्मूला T = MT = π/16 tau into DS³।
ओके टाउ आपको मालूम है 45, ये आपको पता है, आपको ऐसा मिलेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट डीएस, हम राउंड ऑफ करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे उसको टू अकाउंट फॉर द बेंडिंग, 20 का 40 करेंगे, यहाँ पे करो एग्जाम, एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं करते हम लोग, एग्जाम में कुछ भी करो चलता है, नो इशू, सेफ आना मांगता है बस. ओके देन हब साइज क्या होता है, हब साइज 1.24 डीएस, ये नॉर्मली डिजाइन में हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में भी, डीएच इक्वल टू 1.24 डीएस और 1.5 डीएस. ओके हब डायमीटर जो बाहर का जो होगा हब. नाउ एग्जैक्ट एस्टिमेशन शाफ्ट लोड क्या होगा, टाइप ऑफ फेलियर क्या क्या आएंगे उसमें, बेंडिंग ड्यू टू स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्सेस, बराबर है कि नहीं, घूम भी रहा है, बेंड भी हो रहा है, ओके ऐसा ट्राई करेगा और जोर जोर से घूम रहा है तो आएगा, टॉर्शनल शीयर गोल गोल घूम रहा है, डायरेक्ट शीयर आएंगे उसके ऊपर, एक्सियल फोर्स आएंगे ड्यू टू टेम, क्या होगा प्रेशर डिफरेंस, सक्शन डिलीवरी में बहुत डिफरेंस होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, प्रेशर आएंगे उसके ऊपर. देन बेंडिंग मोमेंट एनालिसिस, पहले क्या आएगा मेरा बेंडिंग मोमेंट एनालिसिस, कैलकुलेशन बेंडिंग का क्या आएगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा वेट आ रहा है उसके ऊपर. सो कैलकुलेशन ऑफ द स्टैटिक लोड दैट इज एफ स्टैटिक, एफ स्टैटिक किससे आएगा, इज ड्यू टू द वेट ऑफ द इंपेलर एंड वेट ऑफ द फ्रंट एंड बैक शाउट, बीच में इंपेलर है और बाद में क्या शाउट बैक एंड, यहाँ पे बैक शाउट या फ्रंट शाउट, बीच में इंपेलर दोनों केसिंग दोनों घूमते हैं. ओके तो इसका वेट और बीच का वेट. ओके अजूम द फ्रंट एंड बैक शाउट इज अ डिस्क, डिस्क की तरह रहेगा, थिकनेस 5 mm अजूम किया विद द सेंट्रल होल, ऐसा रहेगा कुछ तो D1 D2 5 mm थिकनेस लिया तो इसका फॉर्मूला आएगा मेरा. ओके वेट क्या होता है M into G, तो M क्या होता है डेंसिटी. ओके पाई बाय फोर D2 का स्क्वायर में D1 का स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू डेंसिटी ऑफ द कास्ट एंड, कास्टिंग से बनाएगा कास्ट एंड लिया इंटू 9.81, ये आपको मिलेगा PG 1.1 में, ये होता है 0.072 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है कन्वर्ट करके इन केजी पर मीटर क्यूब, 7200 केजी पर मीटर क्यूब होता है. ओके आप ट्राई करो ये आया कन्वर्ट करने का, आपको सिंपल है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेट न्यूटन में, देन वेट ऑफ इंपेलर रहेगा WI, वेट ऑफ इंपेलर हम क्या बोलेंगे कि ये ओनली 10% है ऑफ द जो फ्रंट एंड बैक का, ओनली 10% होता है, तो ये 10% ऑफ द टोटल वेट ऑफ शाउट, 0.1 इंटू दोनों शाउट का इंटू 2 ऑफ वेट ऑफ शाउट, ये आएगा 3.48. ये गलत गलत चलता है बिकॉज जो डायनेमिक लोड आएगा मेरा, मेन डायनेमिक लोड के ऊपर कर रहा हूँ मैं, बिकॉज डायनेमिक कैलकुलेशन है तो डायनेमिक लोड बहुत होता है इसके कंपेयर में. ओके तो ये बहुत कम ही होता है, कितना है 3.48, दोनों को ऐड करो, रिलेट द 38.48 न्यूटन, 38.47 न्यूटन, मतलब कितना हो गया हार्डली 3 kg, 3 या 4 kg हो गया. ओके ना अभी देखो डायनेमिक लोड कितना आता है, इट इज अ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द इंपेलर, क्या होगा MI ओमेगा स्क्वायर, क्या होगा MR ओमेगा स्क्वायर, MI मास ऑफ द इंपेलर, W ओमेगा का स्क्वायर इंटू R2, आउटर डायमीटर लूंगा मैं. ओके बिकॉज आउटर से घूम रहा है तो MI ओमेगा स्क्वायर इंटू R2, तो वेट क्या होगा WI/G. ओके वेट ऑफ इंपेलर आपको पता है, नैन ये 2π N/60, एन आपको पता है R2 D2/2, एफ डायनेमिक कितना हो गया 1175.71, मतलब कितना हो गया ये हो गया 117 kg, तो एफ टोटल कितना होगा, एफ स्टैटिक प्लस एफ डायनेमिक कितना होगा ये 1200 न्यूटन. ओके तो ये जो एफ स्टैटिक क्या हुआ बहुत नेग्लिजिबल है इसके कंपेयर में. ओके नाउ नेक्स्ट, नाउ ये शाफ्ट लेआउट है मेरा, ऐसा मैंने अजूम किया कि ऐसा बना रहा हूँ मैं, तो ये जो एंड पंप बेंड एफ इक्वल टू एफ एस प्लस एफ डी, यहाँ पे बेंडिंग होगा, यहाँ पे दो बेरिंग लगाऊंगा मैं, स्पैन यहाँ पे आएगा बेरिंग का, देन ये बी, देन ये एल, ये ए, ये रहा मेरा कपलिंग एंड, एल क्या मेरा बेरिंग स्पैन 1.5 ऑफ ए अजूम किया मैंने, 2 to 2.5 आता है, देन ओवर हैंग ए क्या मेरा ओवर हैंग पंप, अगेन हब का लेंथ, यहाँ पे हब आएगा, हब क्यों लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आगे आएगा पोर्शन उसके लिए लगाएंगे हम लोग, देन सम मार्जिन फॉर द पैकिंग, पैकिंग चीजिंग के लिए मार्जिन लगाते हैं, ऑब्वियसली ना पैक करोगे ना वाटर बाहर थोड़ी लीक होकर क्या होगा आपका पंप खराब हो गया, कुछ यूज ही नहीं होगा उसका आपका, LH+100 ये आ गया. ओवरहैंग के लिए 3 इंटू शाफ्ट डायमीटर करते हैं, ये रहा 3 इंटू शाफ्ट डायमीटर 120 mm. देन नेक्स्ट कैलकुलेशन रिएक्शन ऑफ द बेरिंग, सेम सॉम्प का बोला था मैंने, सॉम्प की तरह करना है आपको, ये क्या होगा यहाँ पे देखिए. ओके क्या करूँगा टेकिंग मोमेंट एट ओ, क्या होगा ये RB, दिस इज द RB इंटू L. ओके इस सॉरी ये RA इंटू L इंटू F इंटू L प्लस A. ओके ये आपको मोमेंट लो गया पॉइंट पे, तो यू विल गेट, अरे सॉरी मैंने क्या लिखा, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट A, पॉइंट A पे मैंने मोमेंट लिया पॉइंट A पे, तो ये फोर्स इंटू ये सेंस देखिए उसका क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज. ओके क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, मैंने यहाँ पे इक्वेट किया क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो RB इंटू L इक्वल टू F इंटू L प्लस A, यहाँ पे आपको यह मिलेगा RB मिलेगा, देन क्या होगा सबमिशन वाई अप्लाई करूंगा एफ टू इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड में दो फोर्स आएंगे, दो बेरिंग करके दो फोर्स आएंगे आर ए और आर बी, यहाँ पे नीचे एफ,
ये रहा आर ए और आर बी मिला मुझे। देन मैक्सिमम बेंडिंग मोड कहाँ पे आएगा, द मैक्सिमम बेंडिंग मोड पॉइंट होगा मेरा पॉइंट यहाँ पे, ओके बी मैक्स इक्वल टू एफ टोटल इंटू ए पॉइंट इंटू ए, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग होगा। ओके नेक्स्ट, देन टॉर्क ऑन शाफ्ट क्या होगा, एम टी इक्वल टू 72 आपको आ गया, इक्वलेंट टॉर्क आपको मिलेगा ओके एम टी इक्वल टू एम टी इंटू एम टी का स्क्वायर प्लस बी बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, एम टी इक्वलेंट आपको मिलेगा दोनों को ऐड करके एम टी इक्वलेंट, देन चेकिंग फॉर द शाफ्ट फॉर द टॉर्शनल फेल्योर एम टी इक्वलेंट इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ इंड्यूस, तो आपको क्या मिलेगा ऐसे आपको आपने आपने यहाँ पे डायमीटर फाइंड कर लिया है, आपको तो चेक करना है कि जो मैंने टाउ का यूज़ करके फाइंड किया है वो बराबर है कि नहीं, जो मैंने टाउ यूज़ किया, टाउ क्या यूज़ किया मैंने 45, टाउ मतलब क्या है मेरा शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इसके अंदर कितना शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है ये फॉर्मूले से, आपको डायमीटर पता है 40, तो ये आएगा टाउ इंड्यूस, आपका टाउ इंड्यूस कितना है 15.61 ये हो रहा है, और आपने कंसिडर कितना किया है 45 न्यूटन पर मीटर, ये बहुत ही सेफ है। ओके नाउ हेंस डिजाइन इज सेफ। नाउ अभी आएगा कंसेप्ट ऑफ बेयरिंग, ये बेयरिंग आपने एम डी टू में किया रहेगा तो ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं इसके। ओके सिलेक्शन द बेयरिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है एज अ बेयरिंग आर सब्जेक्ट टू द हाई रिटेल लोड, क्या आ रहा है रिटेल फोर्स एज वेल एज द एक्सियल फोर्स, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा अगर एक्सियल फोर्स भी आ रहा है और रिटेल फोर्स भी आ रहा है तो हमेशा टेपर रोलर बेयरिंग यूज करना है। ओके तो एस के एफ ओके ये बेयरिंग का जो है मेन लाइक ओईएम है, ओके बहुत बड़ा ओईएम है ये, ओके एसकेएफ, तो वहाँ पे जाओ आपको मिलेगा ये टेपर रोलर बेयरिंग इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको पीजी मिलेगा। ओके एसकेएफ का ही दिया है पीजी में, यूज़ टेपर रोलर बेयरिंग, यहाँ पे क्या है रिटेल लोड क्या मैक्सिमम ऑफ द आर वन आर टू, मतलब जो आर वन है आर वन आर टू मतलब आर ए आर बी जो था ना वहाँ पे उसका मैक्सिमम जो होगा वहाँ पे लोगे रिटेल लोड के लिए फोर्स जो था ना आर वन आर टू। देन एक्शियल लोड क्या होगा, एक्शियल लोड विल द 30% ऑफ द टोटल एक्शियल फोर्स एट प्रोड्यूस एट द इम्पेलर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सक्शन साइड एंड डिलीवरी साइड। ओके एफ ए, एफ ए मिलेगा आपको 0.3 इंटू क्या होता है पी इक्वल टू गामा रो ऑफ वाटर इंटू एच, ओके रो ऑफ वाटर इंटू एच ये फॉर्मूला है, तो यूज करोगे पी डी प्रेशर डिलीवरी साइड माइनस प्रेशर ऑन सक्शन साइड इंटू एरिया यू विल गेट द वैल्यू। ओके तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पुट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू पी डी का रो ऑफ वाटर इंटू एच हाइट, तो रो ऑफ वाटर इंटू जी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आएगा पाई फोर डी का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा, ये होगा आपका एक्सियल लोड का। देन आपको मिलेगा एक्सियल लोड, आपको रेडियल लोड है एक्सियल लोड है लाइफ रिकॉर्ड क्या बोलूँगा मैं 6 महीना 5000 घंटा, देन प्रोबेबिलिटी सर्वे 90%, लाइफ स्पीड क्या उसका 1400 आपको पता ही है, लाइफ रिकॉर्ड इन मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन L-10 LHR इंटू 60 इंटू एन डिवाइड बाई 10^6, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू यू विल गेट L-10 432 मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशन आपको आएगा आंसर। देन डायनामिक कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर बेयरिंग सी रिक्वायर्ड इक्वल टू पेजी 4.1 पे जाओ, पेजी 4.1 4.2 आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर्मूला, ये सी रिक्वायर्ड इक्वल टू L-10 डिवाइड बाई L-10 1/K इंटू पी, पी क्या होता है मीन इक्वलेंट लोड होता है, के क्या होता है डिपेंड करता है रोलर बेयरिंग है टेपर रोलर बेयरिंग है, ये भी क्या है टेपर रोलर बेयरिंग करके 10/3। ओके अगर नॉर्मल बेयरिंग है लगता ये अपना डीप ग्रू बॉल बेयरिंग तो 3 आता है अदरवाइज 10/3। L-10 कितना होता है 1 रिवॉल्यूशन होता है 1 मिलियन रिवॉल्यूशन। देन सी रिक्वायर्ड आपको मिलेगा ये पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू न्यूटन, कन्वर्ट करो उसको kgf में बिकॉज पीजी में क्या दिया kgf में दिया तो बेटर आप kgf में कन्वर्ट करो यहाँ पे। नाउ सिलेक्टेड टेपर रोलर बेयरिंग, अब यहाँ पे क्या होता है ये जो एंड नंबर है पॉइंट क्या है 08 ओके इंटू 5 करो कितना होता है 40, आपका डायमीटर कितना शाफ्ट का फिक्स है ना, शाफ्ट का डायमीटर फिक्स हो गया है कितना हो गया सबका डायमीटर 40 हो गया, सो आपको 40 डायमीटर का बेयरिंग लेना है। ओके इंटरनल जो डायमीटर का बेयरिंग कितना रहेगा 40 रहेगा, आपको 40 डायमीटर का बेयरिंग आपको यूज़ करना है। ओके तो क्या करना पड़ेगा 40 डिवाइड 5 करो क्या मिलेगा आपको 8 आया, तो ये जो था एंड का नंबर 08 ये बेयरिंग का डेजिग्नेशन है। ओके आफ्टर 4 मतलब 4 होने के बाद स्टार्ट होता है, 1-2 पे चल अप्लीकेबल नहीं है, 4 के बारे सबके लिए अप्लीकेबल है, तो 08 इंटू 5 करो यूल गेट 40, ये रहा टेपर रोलर बेयरिंग का नंबर है यू विल गेट द टेपर रोलर बेयरिंग, चेक करना है तो चेक करो कि ये बराबर है कि नहीं। ओके नाउ देन नेक्स्ट वी कम विद द हो गया ये स्टेप खत्म हो गया बेयरिंग से शाफ्ट हो गया, नाउ केसिंग डिजाइन द केसिंग, केसिंग ऐसा डिजाइन करूँगा मैं शेप क्या बोलूँगा फॉलोड केसिंग बोलूँगा यूज फॉर द कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दैट्स द रीजन हम लोग यूज़ करें
volute casing, water coming from the impeller, casing also convert the kinetic energy into pressure energy. Okay, vertical split speed बनाऊंगा आधा आधा पार्ट में, फिर जॉइंट करूंगा उसको फ्लैंजेस विद द फ्लैंजेस, मतलब बोल्ड लगा के टाइट करूंगा उसको. जनरल एस्पेक्ट क्या, पॉइंट ए जो मैंने बोला है, ओके यहाँ पे आएगा द पॉइंट ए इज द वाटर कट पॉइंट. ओके पॉइंट ए इज द वाटर कट पॉइंट. एट दिस पॉइंट द डायमीटर ऑफ डिफ्यूजर इज मिनिमम, नोन एज द थ्रोट डायमीटर, DTH बोलते हैं. वाटर कट लाइन इज इंक्लाइन, क्या होता है स्टैंडर्ड ये 20 से लेके 25 डिग्री तक इंक्लाइन होना चाहिए विद द थ्रोट डायमीटर. क्लियरेंस ऑफ 5 mm इज प्रोवाइडेड बिटवीन द इंपेलर एंड द केसिंग. ओके क्या करूंगा मैं, ग्रे कास्ट आयरन लूंगा 25 का विद स्ट्रेंथ 20-250 न्यूटन पर एम का स्क्वायर, एफ एस 10 लूंगा क्योंकि फूट गया तो क्या होगा करके. दैट्स द रीजन आप कास्टिंग बनाया, मैंने कौन सा कास्टिंग यूज किया डिपेंड कर रहा है, सैंड कास्टिंग यूज किया कि कौन सा यूज किया करके फैक्टर सिटी ज्यादा रहेगा. ओके मटेरियल ज्यादा पोरोसिटी होता है. ओके वी कैन प्रेडिक्ट कि मटेरियल कैसा आया करके. ओके आफ्टर कास्टिंग दैट्स द रीजन हम लोग यूज करते हैं फैक्टर सिटी 10 सिग्मा टी सिग्मा यू डिवाइड एफ एस. ओके तो कितना है 25 न्यूटन पर एम का स्क्वायर आया. देन कंसिडर केसिंग अगर थिन सिलेंडर के लेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा टी इंड्यूस पी मैक्स जी टू डिवाइड बाई 2 TC. टी सी कितना बोलेंगे ना, अजूम करेंगे कि थिकनेस कितना है उसका केसिंग का 10 mm का. डी टू मान लो आपको 290, पी मैक्स मान लो आपको कि पी मैक्स क्या होगा 1.2 ऑफ डेल्टा पी. डेल्टा पी क्या होता है पी डी माइनस पी एस. पी डी आपको पता है फॉर्मूला पता है आपको, रो इंटू एच रो ऑफ वाटर इंटू एच वाटर करके रो एच. ओके यहाँ से मिलेगा आपको पी मैक्स थिकनेस ये इंड्यूस कितना हो रहा है 2.3. हमने कितना कंसिडर किया सिग्मा टी 25 तो ये सेफ है. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ वॉल्यूट केसिंग एट अ डिफरेंट रेडियस ऑफ आर थीटा. ओके नाउ वेलोसिटी ऑफ थ्रोट VTH इक्वल टू क्या होता है 0.25 अजूम करेगा 0.25 V2. देन फॉर्मूला से आएगा डिस्चार्ज क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी. तो ये फॉर्मूला इसका DTH मिलेगा यहाँ पे आपको. देन रेडियस ऑफ केसिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंपेलर ये फॉर्मूला बनेगा आपका R थीटा इक्वल टू, देखो R थीटा जो आएगा अलग अलग वैल्यू पे आएगा तो ये बनेगा आपका R थीटा ये रहा R2 प्लस 5 mm का क्लियरेंस प्लस डी थीटा रहे जहाँ पे बॉल बनते आते पानी के ड्रॉपलेट्स बनते ड्रॉपलेट बनते बॉल. ओके डी थीटा होता है तो डी थीटा क्या होता है फॉर्मूला उसका डी थीटा इक्वल DTH अंडर रूट ऑफ क्यू इन थीट क्या ओके एंगल जो होगा इन डिग्री में डिवाइड बाय 365 माइनस 25. माइनस 25 क्या है वाटर कट पॉइंट. ओके तो थीटा यहाँ पे रहेगा 30 डिग्री के लिए 60 के लिए 90 के लिए 120 180 180 210 और 330 के लिए बनाएंगे. यहाँ पे पुट करो वैल्यू थीटा का यूल गेट द वैल्यू. ये DTH आपको पता है आपको मिलेगा DTH वैल्यू मिल गया सब कुछ फिल कर दो. जैसे DTH मिला यहाँ पुट करो यूल गेट वैल्यू ऑफ R थीटा 30 के लिए 60 के लिए 90 के लिए 120 के लिए ये आपको मिलेगा. ओके सो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ वॉल्यूट केसिंग. देन लेंथ ऑफ डिफ्यूजर बताना आपको तो बाय ज्योमेट्री आएगा यहाँ पे दिख रहा है लेंथ ऑफ डिफ्यूजर या एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे तो tan alpha इक्वल टू DD माइनस DTH डिवाइड बाय 2L यहाँ पे मिलेगा लेंथ ऑफ डिफ्यूजर. देन बोल्ट सिलेक्ट करो DB का M10 का डायरेक्ट यूज करो. ओके बोल्ट बोलो M10 का हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द PCT में माउंट करने के लिए. ओके तो ये रहा आपका ओवरऑल डिजाइन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. मैंने यहाँ पे फास्ट में सीखा है एक्चुअल में इट टेक्स अराउंड 6 hours टू टीच इन डिटेल. ओके यहाँ पे मैंने जस्ट एक फास्ट सीखा है मैंने आपको. ओके कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन मैसेज मी ओके ऑन माय ओके इन इनबॉक्स और यू कैन इफ यू वांट ए नोट यू कैन गो टू माय वेबसाइट ओवर एंड डाउनलोड इट. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.